देखो मैंने सारे हैक्स इंस्टॉल कर दिए, किसी को बताना मत। रिसेंटली गाइस एक दो हफ्ते पहले वैलोरेंट के करेक्टर लॉन्च का एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर अपने उज्जवल भाई भी गए थे यार, उनका वो व्लॉग आया नहीं अभी तक, वैसे वो आने वाला है। और हाँ, उस वैलोरेंट के इवेंट के अंदर अपने कुछ हीरो ब्रांड सबके के मेंबर्स भी गए थे, जिसमें से थे गाइस अपने खतरनाक ईशान भाई। और गाइस उन्होंने उज्जवल भाई से पूछा कि भाई हीरो ब्रांड का क्या सीन चल रहा है। देखो यार उज्जवल भाई ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट करा है। बात करते बाद में। देखो मैंने सारे हैक्स इंस्टॉल कर दिए, किसी को बताना मत। इसे ब्लॉग में तो नहीं डालोगे ना? नहीं नहीं डालूंगा, टेंशन मत ले। पेटीएम वेटीएम कर दूंगा, ब्लॉग में मत डालना। ज्यादा कुछ नहीं है, एम बोट है और दीवार के आर पार वाला मार्क चल जाएगा। चल जाएगा, पैसे आते ही यार क्या सही चल रहा है, हैक वैक कहाँ से आ गया भाई, एम बोट और दीवार के आर पार सीधे भाई बंदे तो ऐसे ही मर जाएंगे। फिर परेशान भाई को बोला था कि भाई व्लॉग में नहीं डालने का, परेशान भाई ने तो भाई पूरा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ डाल दिया भाई। उन्होंने कहा भी है भाई पैसे जाते व्लॉग आ जाएगा। वैसे हाँ यार ये सब फंड के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई, कोई हैक वैक नहीं है भाई, हैक कोई लगा ही नहीं सकता उस गेम के अंदर, आपको पता ही है जैसे कि, क्योंकि भाई सीधा भाई बैन हो जाते हैं बंदे। पर हाँ गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई हीरो ब्रांड ने सब जो मेन स्ट्रीम है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि भाई यार ये सब प्लानिंग कर रहे हैं भाई नेक्स्ट स्ट्रीम में क्या कुछ होना चाहिए भाई, आगे क्या हो सकता है। वैसे तो भाई तो उन्होंने वार अनाउंस कर रखी है कि भाई एक महीने बाद वार होनी थी, पर जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो शायद मुझे लग रहा है उसी के प्रिपरेशन के लिए भाई अपने जो टोटम्स वगैरह भाई जितनी भी चीजें हैं गाइस वो सब इकट्ठी कर रहे होंगे, क्योंकि भाई जब वार होगी तो भाई खतरनाक ही होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी भाई डायमंड की स्वॉर्ड से लड़े जा रहे हैं भाई, एक दो टोटम है बंदों के पास भाई दो खत्म हो गए, चलो बंदा मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पूरे इन्वेंट्री भाई ऊपर से लेकर नीचे तक सारी टोटम से भरी होगी, बस उनके पास होगा इन्वेंट्री के अंदर एक एक्स और एक अपनी स्वॉर्ड और एक वाटर बकेट और कुछ सारे ब्लॉक्स बस, बाकी सारे भाई टोटम्स ही टोटम्स भाई, बंदा मर ही ना पाएगा। इसलिए जो नेक्स्ट स्ट्रीम है भाई उसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस एक बहुत बड़ी बहुत खतरनाक वॉर, जो कि भाई आज तक हीरो ब्रांड एसएमपी में कभी नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि भाई उस वाली वॉर के अंदर अपने अज्जू भाई जो वो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि भाई उनका जो टाइम था वो गाइस ऑलरेडी बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो भाई उनकी एंट्री भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सच में यार इस बार की जो वॉर होने वाली है भाई फुल तबाही होने वाली है भाई। इससे गाइस आपको क्या लगता है अज्जू भाई किस साइड से लड़ने वाले हैं? वैसे यार वो अज्जू भाई का कट्टर वाले दुश्मन है। और अभी गाइस मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो आपको पता है यार अज्जू भाई जो है मुंबई गए हैं, और गाइस वहां पर वो फिर से गाइस बॉस गैंग से टकरा चुके हैं, और गाइस उन्होंने एक बहुत खतरनाक पोस्ट डाला, मतलब भाई तीन बॉस गैंग के बंदे अकेले अज्जू भाई को घेर के बैठे हैं। देख लेते हैं भाई वो और तो होकर ही रहेगी।